9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली. इसमें 4 क्वेश्चंस हैं. हम फर्स्ट वाला करते हैं. पहले हमें वॉल्यूम पता करना है. वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. अब यहाँ पे लेंथ हमें 5a दी हुई है, 3a स्क्वायर हमारी ब्रेथ है और 7a 4, मतलब हम यहाँ पे l इक्वल्स टू लिख सकते हैं 5a, ब्रेथ लिख सकते हैं 3a स्क्वायर और हाइट लिख सकते हैं 7a की पावर 4. इसमें इसी फॉर्मूले में हम लिखेंगे वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5a इंटू 3a स्क्वायर इंटू 7a की पावर 4. अब देखेंगे आप तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 5 3 15 15 7 जा होता है 105. अब देखेंगे ये a कितने हैं यहाँ पे, एक 1, ये 2 और 4. हम इन तीनों का प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7. a की पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी, 7. ठीक है. अब इसी तरह से हम थर्ड वाला करेंगे. सेकंड और फोर्थ आप खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है. मैं थर्ड वाला आपको करके दे रही हूँ. थर्ड वाले में एक्स वाई, ठीक है, इसमें भी मैं वही लिखूंगी. लेंथ हो गया एक्स वाई, ब्रेथ हो गया 2x² y और हाइट हो गई हमारी, हाइट कितनी है हमारी 2xy². हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं लगाऊंगी, l इंटू b इंटू h लगता है, तो वॉल्यूम हमारा कितना आ जाएगा, एक्स वाई इंटू 2x² y इंटू 2xy². ठीक है. अब इक्वल्स टू में वॉल्यूम हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ 1 है आपका इसमें टर्म में कोफिशियंट, तो 1 का मल्टीप्लाई करने का जरूरी नहीं होता है. यहाँ पे 2 इंटू 2 तो हमारा आ जाएगा 4. x कितना है यहाँ पे, ये 1 है, ये 2 है और एक ये है, मतलब हम तीनों को प्लस करेंगे. इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, 2 प्लस 1 3 और 3 प्लस 1 4 होता है, तो x की पावर हो गई 4. ऐसे ही y को करेंगे तो y की पावर 1, y की पावर 1 हो जाती है मिला के 2. यहाँ पे ऑलरेडी पावर 2 है तो यहाँ पे 2 प्लस 2 कितनी हो जाएगी, पावर y की पावर 4. तो ये हमारा आंसर आ गया थर्ड का, 4, x की पावर 4 और y की पावर 4. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है. होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 3rd और क्वेश्चन नंबर 3rd तो मैं करा चुकी हूँ, क्वेश्चन नंबर 2nd और क्वेश्चन नंबर 4, 2nd और 4th आपको खुद करने हैं. ठीक है, बता चुकी हूँ कि आपका प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है. अब यहाँ पे x देखेंगे तो 2 टाइम्स है तो x की पावर 2 हो जाएगी. y कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है तो 2, y की पावर भी 2 हो जाएगी और z भी हमारा क्या है, 2 टाइम्स है तो z की पावर भी 2 हो जाएगी. यही हमारा आंसर आ जाएगा, x की पावर स्क्वायर, y की पावर स्क्वायर और z की पावर भी स्क्वायर. अब सेकंड वाले पे आते हैं. सेकंड वाले में क्या है, a इंटू माइनस का स्क्वायर इंटू a की पावर क्यूब. ठीक है, अब क्या होगा, माइनस साइन है तो माइनस तो लगेगा ही लगेगा, किसी भी एक में अगर माइनस आ गया तो आपका माइनस लगना ही है. अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए पावर 3 है, पावर 2 है, पावर 1 है, इन तीनों को आप प्लस कर दीजिए. 3 प्लस 2 5 और 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6. तो माइनस a की पावर कितनी आ जाएगी, 6. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 2 × 4y × 8y² × 16y का क्यूब. अब आप यहाँ पे करेंगे 2 × 4 = 8, 8 × 16 और सॉरी 8 × 8 = 64. 64 और 16 का मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आता है 1024. अब y कितने टाइम है, 3 और 2 5 और 1
y की पावर 6। इन तीनों का आंसर मैं बता चुकी हूँ आपको कैसे करना है। तीनों को इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करना है। आपका फोर्थ और फिफ्थ आप खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क में दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ और फिफ्थ का मल्टीप्लिकेशन आप मुझे करके दिखाइए, ठीक है। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 9.2 फिनिश हो जाती है क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है।